बच्चे से लेकर बूढ़े औरतें सबके लिए काम किया है। मदन सिंह जी जो है ना इस एरिया में किसी का भी पार्टी का ही काम नहीं करते, वो हर इंसान को जिसको भी जरूरत पड़े ना रात का 12 बजे भी फोन करो वो पहुंच जाते हैं। कोरोना में भी ये सुबह से लेकर रात तक शायद जितने भी लोगों को पलायन कराना था, यूपी बिहार जाना था, चाहे राजस्थान गुजरात जाना था, हर एक को बसों में क्या अरेंज करना है, टिकट का क्या करना है, क्या नहीं करना है, वो उन्होंने सारा काम करके दिया है। सबसे बड़ा प्रोजेक्ट जो हमारी जैसलमेर चौपाटी है, आप जाके देखिए आज, ठीक है रिबन काट के कोई भी श्रेय लेके लूँगा फिर ग्राउंड का मच्छर था। शाम का टाइम जैसलमेर की ऐसी हालत होती थी कि मच्छर हम बात नहीं कर पाते थे, इतने मच्छर होते थे वो डंपिंग ग्राउंड की वजह। एक तो समाज सेवक मत कहिए इनको, जन सेवक कहिए। पिछले 12 सालों से मैं यहाँ पे हूँ और इनको जब जाना मैंने, इनके साथ जब काम की जरूरत पड़ी तो मुझे यूँ नहीं लगता नहीं कि मैं किसी नेता को अप्रोच कर रहा हूँ। नमस्कार, मैं सचिन दीक्षित इस वक्त मैं खड़ा हूँ मीरा भाईंदर के एक इलाके में। हम बातचीत करते हैं कि आखिर किस प्रकार नगर सेवक धरातल पर काम कर रहे हैं, इसकी हकीकत की जानकारी लेते हैं। हम जानते हैं कि आखिर वाकई में ज़मीन पर काम इन्होंने किया है कि नहीं। इसके लिए हम पहुंचे हैं मदन सिंह के वार्ड में। भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, वर्तमान में नगर सेवक हैं, लगातार जिस तरीके से इन्होंने विजय हासिल की है और सभापति रहे हैं, जनता के बीच में वाकई में बैठक कैसी है। आज इन्होंने सुबह ही वृक्षारोपण किया, आज उनका जन्मदिन था, लोगों ने उनसे मुलाकात करने का सिलसिला जारी रखा। लेकिन इस दिन ये फैक्ट जान लेते हैं, ज़मीनी हकीकत जान लेते हैं कि वास्तविक रूप से इन्होंने काम किया कि नहीं किया। इस वार्ड के ही यहाँ पर स्थित हैं, सीधे उनसे जानकारी करते हैं कि मदन सिंह ने वाकई ज़मीन पे काम किया या हवा में रहे। आने वाले समय में जल्द ही महानगर पालिका के चुनाव हैं, लेकिन उससे पहले रिपोर्ट जान लेते हैं कि हकीकत क्या है। क्या है मैडम, यहाँ पर किस तरह काम किया है मदन सिंह, चूँकि नगर सेवक अभी तक जीते रहे, लेकिन जो आता है कि कई बार नेता मुलाकात नहीं करते, तो क्या वाकई में इन्होंने काम किया जिस तरह होना चाहिए? जी, उन्होंने बहुत अच्छी तरह से काम किया है, बच्चे से लेकर बूढ़े औरतें सबके लिए काम किया है। गार्डन बनवा के दिए, योगा सेंटर बना के दिया, बूढ़ों के लिए वाचनालय करके आप दिया। तैयारी में थे कि पूछने पूछेंगे तो नहीं, जो मेरा अनुभव है वो मैं बता रही हूँ। ये सारे प्रोग्रामों में मैं हाजिर थी, आपको क्या लगता है तो कई बार होता है? ये सब पता है इसलिए मैं बता रही हूँ। नहीं होती नेताजी से मुलाकात होती है? जी, हमेशा होती है। क्या लगता है मैडम, आप तो वरिष्ठ हैं, आप एंडी करप्शन चैनल से आज बोलने का मुझे मौका मिला, धन्यवाद करती हूँ आपको। देखिए, मदन सिंह जी जो है ना इस एरिया में किसी का भी पार्टी का ही काम नहीं करते, वो हर इंसान को जिसको भी जरूरत पड़े ना रात का 12 बजे भी फोन करो वो पहुँच जाते, ऐसे इंसान नहीं। तो कई बार नेताजी मुलाकात होती नहीं, कई लोग कहते हैं कि मदन सिंह फोन नहीं उठाते, कहने वाले कुछ भी कहते हैं उनका है। सामने आप हकीकत में देखो तो समझ में आएगा। इतना आप मानती हैं कि मदन सिंह ने फैक्ट काम किया है नेता? बहुत बहुत, हर जगह काम किया उन्होंने, लेडीज का जिम बनवा के दिया उधर चौपाटी में, यहाँ देखो, यहाँ हम खुद चलाते हैं योगा सेंटर। अच्छा, सुबह में लेडीज आती है 8 से 9 बजे, उन्होंने निर्माण करवाया? हाँ, उन्होंने कराया। क्या नाम है आपका और कैसे क्या देखते हैं आप अपने नगर से? मेरा नाम निमेश जालान है। मैं एक ऐसा रूप में देखता हूँ इनको कि मैं लगभग, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं 20 से हूँ यहाँ पर रहता हूँ मीरा भाईंदर में, और काफ़ी लोगों से कांटेक्ट हुआ है, नेता लोगों से, काफ़ी लोगों से। तो मुझे ऐसा लगता है कि इनका जो व्यवहार है और जो भी हमारा काम हुआ है, छोटा मोटा जो भी, चाहे बड़ा हो, चाहे कुछ भी हो, चाहे पुलिस का मैटर हो, कितने बजे कभी भी फ़ोन किया, ये हमेशा रेडी रहें। ऐसा मुझे तो कभी तकलीफ़ नहीं हुई कि मेरा फ़ोन नहीं उठाया है या मुझे कहीं से सुनने में आया है कि काम पर कितना। पार्टियाँ कई बार सत्ता में ना होने की वजह से भी उनको विकास कामों के अभाव झेलना पड़ता है। क्या आपको लगता है कोरोना काल से लेकर यहाँ तक परीक्षण हो गया है आपके नेताजी का, उन्होंने परफेक्ट रूप से काम किया है? मैंने एक भी दिन ऐसा सुनने में कभी आया नहीं कि ये अपने घर में रहे हों। कोरोना में भी ये सुबह से लेकर रात तक शायद जितने भी लोगों को पलायन कराना था, यूपी बिहार जाना था, चाहे राजस्थान गुजरात जाना था, हर एक को बसों में क्या अरेंज करना है, टिकट का क्या करना है, क्या नहीं करना है, वो उन्होंने सारा काम करके दिया है, ये पूरी जानकारी है। क्या लगता है आपको, क्या नाम है आपका और किस तरह से विकास है? संजय इंदौरिया मेरा नाम है, और जहाँ तक विकास की बात है तो मैं इनको 100 में से 100 मार्क्स देता हूँ। और जो आपका ये आत्मविश्वास है कि वाकई में फैक्ट नहीं, ये आत्मविश्वास ही नहीं है, ये देखा हुआ जो चीज़ है वही बोल रहा हूँ मैं। जैसे हम 3 घंटे की फिल्म देख के आगे अपना रिव्यू देते हैं ना, वैसे रिव्यू दे रहा हूँ मैं। जैसे क्या? जैसे कि अभी आप कोरोना काल की बात करें तो वो कोरोना काल में अभी जैसे अभी ये भाई कह रहे थे, सिर्फ यही नहीं था, अस्पतालों में बेड समस्या थी, खुद मैंने कम से कम 6-7 लोगों को इनकी मदद से बेड दिलवाए हैं, खुद मैंने।
क्योंकि कई लोग होता है उनका अप्रोच नहीं होता है, कई लोग उस टेंशन के अंदर कॉन्टेक्ट ही नहीं कर पा रहे थे, तो उन लोगों की हम लोगों ने मदद की, इनके मार्फत दी गई। दूसरी बात, विकास का जो इनका जो सबसे बड़ा प्रोजेक्ट जो हमारी जिसल पर चौपाटी है, आप जाके देखिए आज, ठीक है रिबन काट के कोई भी श्रेय लेके लूंगा, और लोगों ने अपना योगदान दिया, लेकिन वो योजना जो विपक्ष को कोस रहे हैं कि जो श्रेय लेके जा रहे हैं, मैं किसी को कोस नहीं रहा हूँ, मेरा विषय नहीं है वो, बोलना नहीं चाहते। हाँ बोल, क्या मतलब क्या बोलते, ठीक है। तो जो चौपाटी की देन इनकी है, बिल्कुल वो योजना ये और रोहिदास पाटिल जो हम जिनको काका कहते हैं सम्मान से, वो ही लोग लेकर आए थे, ठीक है। फिर सत्ता आती जाती है, परिवर्तन होता है, लेकिन देखो मूल रूप से जो योजना लेकर आए, तो उससे काफी सौंदर्यता आई। बिल्कुल बिल्कुल, जो डंपिंग ग्राउंड था, मच्छर था, शाम का टाइम जैसल पार्क की ऐसी हालत होती थी कि मच्छर हम बात नहीं कर पाते थे, इतने मच्छर होते थे वो डंपिंग ग्राउंड की वजह से। कुछ लोग कहते हैं इनसे मुलाकात करना और इनकी राजनीति में कोई पड़ जाए तो उलझना बहुत मुश्किल हो जाता है, और ये एक तरफ कुछ लोगों का आरोप ऐसा रहता है कि मदन सिंह से मिलना देखा, अभी हम दोनों यहाँ खड़े हैं आपके सामने, फोन लगा अगला अनिल सिंह के, वो लगा लीजिए, अगला सवाल इसमें मिलना, और दूसरा कहा जाता है कि इनकी जो राजनीति रहती है वो प्योर राजनीति करते हैं, वो राजनीति से ही, तो इनको राजनीतिकरण व्यक्ति कहें या वाकई में एक आम आदमी की तरह मुलाकात करना मिलना, ये वाकई में हकीकत है या वही सत्य जो बात जो आरोप लगता है। मैं आपसे एक सवाल पूछूं, हां पूछिए, जो क्रिकेट खेलता है उसको आप क्या कहेंगे, क्रिकेटर नहीं सपा, तो राजनीति, राजनीति तो राजनीति करना, राजनीति का मतलब क्या होता है, राजनीति का मतलब किसी को फंसा देना, किसी को झूठा केस कर देना, वो राजनीति नहीं होती है। राज की जो नीतियाँ होती है उस पर चलना होता है, वो होती है राजनीति, और उस पर सुचारू रूप से चलते हैं। क्या संवैधानिक प्रक्रियाओं को अपनाते हुए, संवैधानिक प्रक्रियाओं को अपनाते हुए काम किया है, तो कैसे इसको आप सिद्ध करें? मैं बताता हूँ, एक तो समाज सेवक मत कहिए इनको, जन सेवक कहिए, समाज आप तय करेंगे ना, हम थोड़ी तय करेंगे, मैं आपको बोल रहा हूँ, जनता है आप तय करिए, जनता के रूप में बोल रहा हूँ, आप हमें थोड़ी तय करेंगे, आप भी तो जनता ही हो ना, जन सेवक है, समाज एक छोटा होता है, जन सेवा पूरा जन सेवा जन की होती है। दूसरी बात, इन्होंने जो काम किया है, जिस जगह पे हम खड़े हैं अभी, इन्होंने बताया ये इन्हीं की देन है, इन्हीं के मेहनत से ये चीज़ बनी है, और ऐसे और बहुत से काम हुए हैं, जैसे वृक्षारोपण का कार्य होता है, जन्मदिन के उपलक्ष्य में ये लोग वृक्षारोपण का कार्य होता है, हर साल हम लोग उसमें सहभागी होते हैं, और मैं सच बताऊँ आपको, कभी भी जब वो कार्य करते ना, तो चलते फिरते आदमी खुद आके इनके साथ खड़े होकर काम करने लग जाते हैं। पेड़ लगाना तो जरूरी नहीं कि यही लगाएंगे, स्वभाव ऐसा। मैं आपको एक चीज कहता हूँ कि रंग से लेकर राजा तक जितने भी लोग हैं, इनके सबके साथ वैसा ही संपर्क है और वैसा ही व्यवहार है, कोई छोटा कोई बड़ा कोई मायने नहीं रखता। जो आदमी जैसी समस्या लेकर गया है उसका समाधान मिला है, न सिर्फ इसी क्षेत्र के, किसी अन्य क्षेत्र का व्यक्ति भी अगर आया है तो समस्या लेकर आया और समाधान लेकर गया, दल से ऊपर उठ के काम किया, दल के ऊपर गया एकदम, मैं कहता हूँ प्योर एकदम जन सेवक बनकर काम किया। क्या नाम है आपका? दिलीप माछी। क्या लगता है मदन सिंह वाकई में काम कर पाए, अगली बार जीत पाएंगे? जीत पाएंगे, पक्का जीत पाएंगे, और बहुत अच्छा काम करते हैं। मैं आर्मी बाग में रहता हूँ, देखा है मैंने आंखों से, और जब भी जाए सुबह भी उठ के 6 बजे घूमते रहते हैं। घूमना या काम? काम भी करते हैं, जैसा समय से बोलिएगा वैसा जाके काम कर लेते हैं। क्या लगता है आपको जमीन पे काम? क्या नाम है आपका? मेरा नाम अखिलेश चौरसिया है, मैं ऑलमोस्ट 12-13 साल से भाईंदर में रह रहा हूँ, और इसके पहले मैं किसी और एरिया में रहता था, जोगेश्वरी में। बहुत से नगर सेवक देखे हैं, हम जब उनके पास अप्रोच करते हैं, जब वो हमारे पास आते हैं इलेक्शन टाइम पे, उनका रवैया कैसा होता है, और जब हम जाते हैं काम उनका कराने के बाद, तो उनका जो रिस्पेक्ट रवैया होता है बहुत अलग होता है। पिछले 12 सालों से मैं यहाँ पे हूँ, और इनको जब जाना मैंने, इनके साथ जब काम की ज़रूरत पड़ी, तो मुझे यूँ नहीं लगता नहीं कि मैं किसी नेता को अप्रोच कर रहा हूँ। इट्स लाइक मेरे फैमिली के मेम्बर एक फ़ोन लगा, अंकल ये काम है, यहाँ कचरा पड़ा है, वहाँ पानी नहीं है, यहाँ ये जो, इनफैक्ट लोगों को किसी रेफरेंस की ज़रूरत नहीं है। मुझे लगता है इस एरिया के हर बंदे के पास इनका मोबाइल में नंबर होगा, और ही इज़ जस्ट अ कॉल अवे, जस्ट अ कॉल अवे। इसके अलावा मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ, जैसे आप विकास की बातें कर रहे हो, तो विकास मुझे लगता है आपको ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, मतलब जनता को पूछने के बजाय अगर आप किसी और एरिया में आप घूम के और यहाँ आप घूमे, आपको अपना विकास का डिफरेंस दिख जाएगा, पहली चीज़। जनता हकीकत बताती है, इसलिए पूछना हमारा फर्ज़। एग्जैक्टली। दूसरा मैं आपको कहूँगा, जैसे कि समाज के काम की बात कर रहे हो, इतने सालों मैंने नहीं देखा यहाँ कितने नगर सेवक है, कितने पॉलिटिशियन है जो ब्लड कैंप्स और ये सारी चीज़ें करते हैं। इनका हर साल का नियम है 25 दिसंबर का, पिछले 5-6 सालों से मैं खुद रेगुलर डोनर हूँ, ब्लड डोनर। अच्छा, रेगुलर डोनर हूँ मैं, हर साल मैं और कहीं डोनेट, मैं ऐसे भी डोनर हूँ, तो ऐसे काम ये करते हैं, बहुत सारे सामाजिक कार्य करते रहते हैं। जिस तरीके से उनका स्वभाव है और राजनीतिक हिस्सा है उनका, चाहे जनसेवा कहें चाहे समाज सेवा, उसमें जीतने के आसार कितने इनके आने वाले? 100%। अगर मैं ये कहूँगा कि अगर ये नहीं जीतते, सपोज नहीं जीतते, तो ये जनता की मूर्खता हो सकती है, इससे अलावा और कुछ नहीं हो सकता, बिकॉज ऐसा आदमी अगर न जीते तो फिर मतलब ही नहीं है। क्या लगता है आपको, मदन सिंह यहाँ के नगर सेवक, क्या उन्होंने जमीन पर वाकई में काम किया
बिना डर के, बिना हिचक के, बेबाकी से बताइएगा वाकई में यहाँ पर काम किया है कि नहीं, क्योंकि इस पार्क की रक्षा आप करते हैं यहाँ पर, क्या लगता है उन्होंने फैक्ट रूप से काम किया? अच्छा किया है काम, इससे पब्लिक जी एकदम नहीं, बिल्कुल नहीं, नहीं क्यों अच्छा काम, क्योंकि पब्लिक को इससे फायदा है। क्या फायदा? उनको यहाँ पर कसरत करने को मिलता है, थोड़ा राउंड मारने को मिलता है, तो ये पार्क उन्होंने अच्छी तरह। हाँ, आपको कभी ऐसा लगा कि ये बहुत रूड है या बहुत स्वभाव इनका बड़ा अजीब है? स्वभाव बहुत अच्छा है, एक नगर सेवक काम करे और उसके बाद स्वभाव उसका ठीक हो, मेल मिलाप हो, ऐसा कुछ लगा? नहीं, कुछ लोग बहुत अच्छे हैं, कुछ लोग कहते हैं बड़ा कड़क स्वभाव। नहीं नहीं नहीं, बहुत अच्छे हैं। तो यहाँ लोग थे, लोगों की तरफ से साफ तौर पे कहना है कि उन्होंने जमीन पे काम किया है मदन सिंह, लेकिन हम और वार्ड के विषय पे भी जानेंगे और जानेंगे हकीकत के लोगों के बीच में उनके नगर सेवक की क्या उपलब्धियां हैं, जमीन पर कितना सार्थक काम है, कितना ढकोसला, ये जनता ही स्पष्ट कर सकती है और जनता से ही जानेंगे हकीकत क्या है। एंटी करप्शन न्यूज़ के लिए सचिन दीक्षित, भाईंदर।